केवल एक टाइपिस्ट ने बैठ के उस कंटेंट को कॉपी कर दिया है, कोई टीचर भी नहीं उसके साथ में, तभी तो ऐसी गलतियां होंगी। अगर टीचर ही बैठ के रिसर्च करता तो ये कैसे गलती हुई? जहां जहां पे बायनेट में गलती वहां वहां पर कैसे गलती हो गई? लेकिन मैं ये कहूंगा पढ़ाई करते रहिए, आप आपका पैसा बहुत जल्द वापस आपको मिलेगा। और अगर अभी भी फिजिक्स वाला अपनी गलती मान ले, बच्चों का पैसा रिफंड कर दें और जो भी उनके पास मटेरियल उसको पल्प कर दें और एक हमें सर्टिफिकेट इश्यू करें पल्प का और आगे से लिख के दें कि आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, इस मामले को यही खत्म कर देंगे। लेकिन अगर ये मामला लीगली गया तो आप भी जानते हैं सर कि किस लेवल पे काम हुआ है, ये तो सभी को दिखाई दे रहा है किस लेवल पे काम हुआ है, किस लेवल पे कॉपी किया गया है।